अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाली लैंड पे, जो कि हुसैनाबाद में मौजूद है, और मेरे साथ हैं ताहा भाई, जो कि हम लोग एक कंबाइन चैनल भी हमारा चल रहा है। हम यहाँ पर आए हैं थाली के लिए, तो पता चला है कि यहाँ पर जो खाना सर्व किया जाता है वो थाली में किया जाता है, और एक इंडियन स्टाइल है, और कुछ इन्होंने इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है, तो ज़रा एक अलग सा जो है ना उसके अंदर अट्रैक्शन भी आ रही है थाली के लिहाज से। तो आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो अभी ऑर्डर हमारा तैयार हो रहा है, तो ऑर्डर जैसे ही तैयार होता है तो आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारी थाल का ऑर्डर आ गया, थाल हमारे सामने मौजूद है, बिल्कुल मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, और शदीद किस्म की भूख लग रही है, और तरह तरह के खाने बिल्कुल आपके सामने अगर पड़े हो तो समझ लें कि बहुत ही भूख जो है बढ़ जाती है। तो मैं भी ये ट्राई करूँगा चपाती के साथ। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा चिकन। चिकन आप देखें कि ये चिकन करी टाइप की कोई चीज़ है, इसको मैं निकालता हूँ। चिकन का जायका अच्छा है, समझ लें बिल्कुल ऐसा है जिस तरह कुछ मिलता जुलता है चाचा जी की जो थाली होती है, वो तो थाली आप अगर लें तो उसके अंदर भी इस तरह की चिकन मौजूद होती है, जो कि बेहतरीन है, ज़बरदस्त। तो मैं ये थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, इसके बराबर में ये चिकन मखनी है, ये मैं ट्राई करता हूँ। ये आप देखें, ज़बरदस्त लग रही है, मक्खन मक्खन इसके अंदर लगा हुआ है। ज़बरदस्त भाई, एक अलग सी इसके अंदर खुशबू है, इसको खाने में जो है ना मज़ा आ रहा है बेहतरीन। मतलब मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने जो इसको ट्राई किया है ना, इसमें नंबर वन जो है ना वो मैं इसी को दूंगा भी फ़िलहाल। आगे इसको ट्राई करता हूँ, मज़ीद चीज़ें फिर बताता हूँ आपको। अब ये पालक पनीर में ले रहा हूँ, पालक पनीर। गांव देहात का जो है ना बेहतरीन किस्म का एक मज़ा आ रहा है, यहाँ बैठ के एक फील हो रहा है कि हम कहीं बैठे हुए हैं किसी गांव में, और वहाँ पर ये पालक पनीर खा रहे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये लस्सी भी है मेन्यू में शामिल, इसको भी हम ट्राई करते हैं। मुझे कुछ अलग ही किस्म की लस्सी लग रही है इसके अंदर, आप देखेंगे शायद इन्होंने ऊपर से पुदीना या फिर धनिया इस तरह की वो चीज़ लग रही है डाली है, तो ये पीकर अंदाज़ा होगा मुझे। ज़बरदस्त भाई, नमकीन लस्सी है। उमूमन जो कराची में जो चलने वाली लस्सी है वो तो मीठी लस्सी होती है, लेकिन ये नमकीन लस्सी है, बेहतरीन मज़ा दे रही है, आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त।